नेगेटिवली बोलने लग गया, बट मैं वो लोग को सुनने शुरू हो गया और उसके वजह से मेरा गेम भी खराब हो गया। चलो वो जो डिसीजन था अभी मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ। वर्ल्ड कप बेस्ट टीमों को हराया, ऐसे एक टीम नहीं था जिसको हम लोगों ने हराया नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइव एवीपी लाइव। आज हमारे साथ एक सेंसेशन, एक अपने आप में इंस्पिरेशन, अपने आप में हॉकी डिक्शनरी हमारे साथ इस वर्चुअल मीटिंग में जुड़े हुए हैं और हम बहुत जल्द हो सकता है फिजिकल मीटिंग भी करें, वहां से भी आपके लिए एक इंटरव्यू लेके आए। एंड बिफोर स्टार्टिंग द इंटरव्यू, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट विशेस फॉर द एशियन गेम्स सर, एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग मेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप। दैट वाज अ कंप्लीट अमेजिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम द टीम। एंड सर, आगे बढ़ने से पहले जो मेरा सबसे पहला सवाल होगा, द वेरी इंट्रो क्वेश्चन वुड बी कि हाउ एवरीथिंग इज गोइंग बिफोर द एशियन गेम्स, हाउ इज द माइंडसेट, हाउ द प्रिपरेशंस आर गोइंग, हाउ द टीम इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। द फर्स्ट गेम इज अगेंस्ट उज्बेकिस्तान, देन वी विल बी फेसिंग बांग्लादेश एंड सो मेनी टीम्स अहेड। हाउ इज एवरीथिंग गोइंग सर? After Asian Champions Trophy, we got to know that how the oppositions are playing, how good they are, where they are, you know, try to attack on us, and how they wanted to block our attack. So, जो तरीके से हम लोगों ने Asian Champions Trophy में खेला, वहाँ से हम लोगों ने अपना note बनाया, अपना homework के लिए अपने जगह ढूंढा कि हाँ यार ये area पे हम लोग को काम करना है और ये team हम लोग को यहाँ पे attack करने वाला है। तो वो एक तरफ से हमारे एक experiment period था, और ये जो अभी जो 3 हफ्ते से हम लोग इधर ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारा ज्यादातर फोकस वही रहा है, और हम लोग अपना प्लस पॉइंट पे भी ध्यान दिया है, क्योंकि जो तरीके से जो गेम हम लोगों ने खेला उसके वजह से दूसरा ओपोजिशन टीम को नुकसान पहुंचाया, तो डेफिनेटली हम लोग उसी को भी, उसके ऊपर भी काम करना चाहता है, उसको भी हम लोग ज्यादा फोकस में रखना चाहता है। और वही है जो लास्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन हम लोग अभी कर रहा है। ये बहुत अच्छे से सर याद होगा, क्योंकि दैट वाज द मोमेंट व्हेन यू एंटर्ड एंड द नेम सुजेश पीआर फ्रॉम देन एंड टिल नाउ। हर एक युवा जितने भी खिलाड़ी हैं जो हॉकी में अपना करियर बनाना चाहते हैं या स्पोर्ट्स जुड़े जितने भी यंग बच्चे हैं और जितने भी लोग हैं, ये नाम तब से सबके दिलो दिमाग में छप गया है। वो एक जो पल था सर 2006 साउथ एशियन गेम्स, जब वो फील्ड पे पहली मर्तबा आप अपने देश को रिप्रेजेंट करने उतरते हैं, हाउ इज द फीलिंग ऑफ दैट डेब्यूटेंट? सी, तब तक का मैंने 2004 में मेरा जूनियर डेब्यू किया था, तब से लेके मैंने जूनियर टीम का एक सदस्य बना रहा, और वहां से 2006 में जब हम लोगों ने एक मिक्सर टीम भेजा गया था कि साउथ गेम्स के लिए, वहां पे मुझे एक मौका मिला कि सीनियर टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए। और आपको पता है ऐसे प्लेयर, ये तो एक ड्रीम कम ट्रू होता है सबके लिए, क्योंकि आप अपना देश का मेन टीम के लिए वो जर्सी पहन रहा है, तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग था। और उसके ऊपर से थोड़ा डर भी लगता था, क्योंकि पहले टूर्नामेंट है, वहां पे पाकिस्तान भी है, वहां पे बांग्लादेश भी आ रहा है, वहां पे मलेशिया भी आ रहा है, और वहां पे ऐसे होता है कि आपको अच्छा भी करना है और आपको आपका एक्साइटमेंट भी दिखाना है, और आपको ऐसे भी लगता है कि यार अपना गलती छुपाना भी है, ज्यादा आ जाता है। एंड the way they behaved to me was like a lesson for me, क्योंकि being a youngster मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि बाहर से चिल्लाने से मेरा जोश बढ़ेगा, तो वो एक पहला मौका था कि जहाँ पे बाहर से लोग negatively बोलने लग गया, but मैं वो लोग को सुनने शुरू हो गया और उसके वजह से मेरा game भी खराब हो गया। बट एनीवाइज हम लोग फाइनल में पाकिस्तान से हार गया, पर उसके बाद कोच ने मुझे बोला कि ये एक लेसन है, इसमें इसके ऊपर ज्यादा हार्ड फीलिंग मत लेना, एक लेसन है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आप जब हॉकी खेलने के टाइम आपका दिमाग सिर्फ ग्राउंड में होना चाहिए, आप बाहर की तरफ ज्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि वो बाहर का जो इन्फ्लुएंस है वो हमारा गेम को इफेक्ट कर सकता है, तो उस पर बिल्कुल ध्यान मत देना। तो मेरे लिए तो एक नया एक्सपीरियंस था वो टूर्नामेंट, एंड मेरे हिसाब से आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। जीवी राजा स्पोर्ट्स स्कूल बहुत पुरानी बात है, वहां से जुड़ी यादें पहला सवाल, और इसी के साथ सर जो दूसरा सवाल इसी में होगा, दो नाम हैं जिनको शायद आप बहुत ज्यादा अपने करीब रखते होंगे, जय कुमार सर और रमेश सर। आपने अपने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि इन्होंने मुझे बताया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ गोलकीपर
वो एक जीत और हार के बीच का एक अंतर बन सकता है, इस लाइन पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा। ये दो लोग तो सर चलिए आपके गुरु हैं, एंड जीवी राजा स्पोर्ट्स स्कूल, इसकी मेमोरी सर। जीवी राजा स्पोर्ट्स स्कूल में मैंने 2000 में ज्वाइन किया था, और तब तक मेरे को हॉकी के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं था, मैं कभी हॉकी देखा नहीं था। मुझे एक थोड़ा सा एक लाइट मेमोरी है, 98 एशियन गेम्स का फाइनल में जब मेरे पापा टीवी देख रहा था, मैंने आके पूछा कि क्या देख रहे हैं आप, तो पापा ने बोला हॉकी का मैच चल रहा है, और पापा ने बोला ये शूट आउट है, तो उस टाइम पे पेनाल्टी स्ट्रोक होता था, तो पापा ने बोला देख लो इंडिया का पेनाल्टी स्ट्रोक चल रहा है, और पापा सेलिब्रेट कर रहे, तो बोला कि अरे यार इंडिया जीत गया। तो मुझे पता नहीं था कि हॉकी क्या होता, क्योंकि केरला में तो हॉकी इतना फेमस नहीं थे, और अब और लोग इतना देखता भी नहीं था। तो वहां से फिर 2000 में जब मैं जीवी राजा स्पोर्ट्स स्कूल एस एन एथलेट गया, मेरा मेरा मैं शॉट पुट मारता था, मैंने एटलीस्ट स्कूल में थोड़ा रनिंग सब करता था, तो जीवी राजा स्पोर्ट्स स्कूल में मुझे मौका मिला। वहां जाके मैंने पहले बार हॉकी का फील्ड देखा, हॉकी खेलते हुए देखा, हॉकी स्टिक पकड़ के देखा, और वहाँ पे अब मैं उधर ज्वाइन किया, जिवरा स्पोर्ट्स स्कूल ज्वाइन किया। जिवरा स्पोर्ट्स स्कूल में इतना सारे मैंने टैलेंटेड एथलेट थे उस टाइम, मैं ऐसा शॉट पुटर वहाँ पे ज्वाइन किया था जिवरा स्पोर्ट्स स्कूल में, और मेरा साथी जितना भी लड़का लोग था, मेरे से बड़ा और मोटा सा लड़का लोग था, तो उसके सामने मैं खड़े होते मुझे लगता था कि अरे यार मैं कितना बच्चा हूँ, मुझे इधर कुछ कर नहीं पाएगा, और मन में डर बैठने लग गया, क्योंकि आपको एक साल में परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत नहीं आया तो आपको बीट आउट करते करते जाएगा। तब उसी टाइम ये कोचेस लोग वहां पे आया, जयमर सर और रमेश कॉलेपर सर, सो सर लोगों ने उधर ट्रेनिंग शुरू किया, वो लोग बच्चे लोगों को बुलाने लगे कि आपको हॉकी खेलना पसंद है तो आप आ जाओ। तो मैंने उसके बाद एथलेटिक्स से वॉलीबॉल ट्राई किया, फुटबॉल ट्राई किया, कई बास्केटबॉल भी ट्राई किया, कई कुछ बना नहीं। फिर मैंने आखिर में वहां पे एक सीनियर गोलकीपर था अनिश, उसने मुझे बोला श्री तू हॉकी ट्राई कर लो, हॉकी में ऐसा है कि बहुत ज्यादा चांसेस है केरला टीम में खेलने के लिए, तो आप एक काम करो एक बार आके ट्राई करो। तो मैंने वैसे ही बाकी सब गेम में ट्राई किया, वही कुछ बन नहीं पाया, तो मैंने सीधा हॉकी में आया। तो थोड़ा मोटा सा था उस टाइम मैं, छोटा सा, तो कोच ने बोला चलो तू पहले स्किल सीखो, उसके बाद नॉर्मली उसी टाइम पे ऐसे होता था कि थोड़ा मोटा वाला बंदा हमेशा डिफेंस खेलता है, उससे भी थोड़ा पतला सा बंदा मिडफील्ड में खेलता है, और जब से एकदम से पतला वाला और छोटा सा लोग सब फॉरवर्ड लाइन में खेलता है, तो मैं जबरदस्त करके डिफेंस खिलाता हूँ। और वहां पे मेरा जर्नी शुरू हुआ, मैंने बेसिक सीखने लग गया, तब मुझे लगा कि अरे अरे बहुत बड़ा काम है, क्योंकि झुकना पड़ता है, बॉल लेके भागना पड़ता है, इधर भागो उधर भागो, जब बम भी बॉल आते हैं उसको रोकना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस टाइम तो टर्फ था ही नहीं, छठ ग्राउंड में खेलना पड़ता था। और उसके बीच में कोच ने एक दिन पूछ लिया कि अरे यार किसको गोलकीपर बनना है, क्योंकि हर एक साल का हर एक क्लास में एक गोलकीपर चाहिए था। तो मैंने बोला भाई यही तो सही मौका है, क्योंकि गोलकीपर हमेशा क्या होता है कि ग्राउंड के साइड में जाके खड़े होता है, और कुछ ज्यादा मेहनत तो करते हुए देखा नहीं हूँ, बोले सिर्फ बॉल को किक करते हुए खड़ा है, तो मैंने सोचा चलो ये गोलकीपर बन जाता हूँ ताकि भागना ना पड़े। तो वैसे मैंने कोच को बोला कोच मैं बन जाता हूँ गोलकीपर, तो फिर ऐसे बन गया गोलकीपर। बट मेरे को लगा कि अरे यार एक तरह से एक गंदा डिसीजन था वो, क्योंकि जो चीज जो प्लेयर लोगों ने जो स्टिक और बॉल के साथ करता था, मुझे वो सब पैड पहनने के बाद करना पड़ा। तभी तो मैंने पूछा, सोचा यार यार मैंने क्या गलत डिसीजन लिया, बट चलो चलो वो जो डिसीजन था अभी मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ। Exactly, from watching that little memories of 1998, watching that hockey penalty matches, a match with your father, and then being at that position, a long journey, and one of the greatest ever in Indian hockey. And Sujesh, इसके बाद जो मेरा आपसे सवाल होगा, 2012 लंदन ओलंपिक्स, वहां से एक बड़ा चेंज ओवर आया था, एंड बिकॉज दैट वॉज एंट अ वेरी गुड टूर्नामेंट फॉर अस, फॉर आर हॉकी टीम. And then after 8 years, 2020 into Tokyo Olympics, we were in a very good position. We got that medal also. Very proud moment for the whole nation. वो 8 साल दोनों टीम में आप थे, दोनों टीम का हिस्सा थे. क्या बदलाव आपको देखने को मिले? क्या वो माइंडसेट था? एंड द चेंज ओवर इन इन हॉकी, जैसे यूथ ने ज्यादा इंटरेस्ट शो करना उधर शुरू किया हॉकी में, एंड एवरीथिंग, वो 8 साल. देख 2012 वाज अ डिजास्टर, क्योंकि डिजास्टर नहीं था, क्योंकि ओलंपिक्स क्वालिफाई होना फिर ओलंपिक्स में जाके परफॉर्म करना एक बहुत बड़ा बात होता है, बट हमारे लिए तो उस टाइम पे तो टीम में बहुत ज्यादा जूनियर्स भी थे टीम में, जिसने पहले बार ओलंपिक्स जा रहा था, और हम लोग वहां पे गया, हम लोग शायद हम लोग हमारा
जो पूल भी तो टफ था, बट जो टूर्नामेंट जाते 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 हम लोग को लगा कि हाँ यार, हम लोग अच्छे तो मार्क परफॉर्म नहीं कर रहे, बट 2012 ओलंपिक्स हमारे लिए एक आई ओपनर था कि कहाँ पे हम लोग को ज्यादा तरफ काम करना है। एंड 2012 के बाद हमारे टीम में बहुत ज्यादा चेंजेस हो गया, बहुत ज्यादा जूनियर्स टीम में ऐड हो गया। एंड 2012 टिल 2014 मेरे हिसाब से टेरी वॉल्श के अंदर हम लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया था कि हम लोगों ने एक टीम बनाया, एक ग्रेट मिक्सचर ऑफ सीनियर्स एंड जूनियर्स सब बोल सकते हैं। तो वहां से टीम का 2014 का परफॉर्मेंस देखो, हम लोगों ने कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल जीता और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल, इवन चैंपियंस ट्रॉफी में पहले बार हम लोग फोर्थ भी आया। एंड वो एक तरफ से हम लोग को मॉरल बूस्टअप हो गया, ताकि प्लेयर्स अपना कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं, प्लेयर्स अपना एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। एंड फ्रॉम देयर इफ यू लुक इन टू द प्रोग्रेस व्हाट वी मेड, वी स्टार्टेड टू प्ले लॉट ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स, वी ट्रैवल अब्रॉड, वी प्लेड विद द यूरोपियन कंट्रीज, वी प्लेड विद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दैट एक्सपीरियंस प्लेइंग अगेंस्ट दोस हायर रैंकिंग टीम हेल्प्ड अस टू गेन मोर कॉन्फिडेंस एंड यू नो प्रेशर मैनेजमेंट, दैट इज वन थिंग व्हिच आई नीड टू मेंशन दैट। क्योंकि बड़े टीमों के साथ खेलने के टाइम सब सबको थोड़ा प्रेशर आता है यार, ये लोगों कैसे खेले, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी अच्छा प्लेयर्स है। बट जब आप खेलते रहोगे तो आपको लगेगा हाँ यार, ये एक बीटेबल सेट है, हम लोग ये लोगों को बीट कर सकता है। एंड डेफिनेटली इन्वॉल्वमेंट ऑफ हॉकी इंडिया लीग, वो भी एक बहुत बड़ा ऐसा रहा कि इंडियन हॉकी का डेवलपमेंट में, क्योंकि जब फॉरेन प्लेयर्स इंडिया में आए और हमारा जो जूनियर्स प्लेयर्स हो गया, जो सीनियर प्लेयर्स हो गया, वो लोगों के साथ मिलके खेलने लग गया, वो लोगों के साथ ट्रेनिंग करने लग गया, वो लोग मीटिंग में कैसे बात करते हैं, वो लोग मीटिंग के लिए कैसे प्रिपेयर होता है, मैच के लिए कैसे प्रिपेयर होता है, मैच में कैसे लीडरशिप लेता है और मैच के बाद कैसे टीम को साथ में लेके जाता है। सो ये सब चीज हम लोग को सीखने के लिए मिला। एंड ओवर टू दैट, जो हॉकी इंडिया लीग का मैचेस थे, हम लोग एक पैक्ड क्राउड के सामने खेले, तो एक जो आई मीन प्रेशर मैनेजमेंट हो गया, जो क्राउड का एक प्रेशर मैनेजमेंट, वो भी लड़का लोगों ने सीखा। तो मेरे हिसाब से एक तरफ से वो एक फ्रॉम 2012 टिल 2018 19 एक अच्छा पीरियड था इंडियन हॉकी के लिए। हम लोगों ने वर्ल्ड कप बेस्ट टीमों को हराया, ऐसे एक टीम नहीं था जिसको हम लोगों ने हराया नहीं है, और वो भी एक तरफ से हमारे लिए एक मॉरल बूस्टर था। एंड डेफिनेटली वी वर रियली प्रिपेयर्ड, तब तो आपको पता है कोविड आ गया, बट स्टिल प्लेयर्स डजंट लूज देयर हार्ट। आई मीन वो लोग, हम लोग बैंगलोर में रहा, हम लोगों ने यहीं पे क्वारंटाइन किया, यहीं पे ट्रेनिंग किया, हम लोग फैमिली से दूर 6 6 7 7 महीने रुका है। और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद हम लोग को बीच में एक छोटा सा गैप मिला था 1 महीने का, तो हम लोग घर जाके फैमिली के साथ मिलके वापस आ गए। और आपको पता है कि रश, क्योंकि जितना हार्डवर्क हम लोगों ने किया है, जितने एफर्ट हम लोगों ने डाला है, जितने टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया है, उसका एक रिजल्ट था हमारा 2021 का जो टोक्यो ओलंपिक्स का मेडल। तो मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ जर्नी ओवर द नाइट, इट्स नॉट अ सक्सेस ओवर द नाइट, इट वाज अ जर्नी विद लॉट ऑफ अप एंड डाउन्स, विद लॉट ऑफ स्ट्रगल, विद लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस, बट स्टिल आई एट द एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट ओके, दैट सैक्रिफाइस, इट्स ऑल वर्थ वर्थ वर्थफुल बिकॉज वी गॉट दैट मेडल। द लास्ट क्वेश्चन सर, बिफोर रैपिंग अप द सेशन, व्हाट द वॉल इन इंडियन स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी, हम मुझे लगता है कि हम तीन लोगों को कहते हैं, स्टैटिक फनू क्रिकेट राहुल द्रविड़ सर, एंड देन इन फुटबॉल गुरकिरत पाजी, एंड देन द सिनोनिम ऑफ द वॉल फ्रॉम इंडियन हॉकी सृजेश पीआर। व्हाट डू यू थिंक एट द टाइम जब आपको पेनल्टीज वो फेस करने को मिलती हैं, या मुकाबले जब पेनल्टी शूट आउट में जाते हैं, बिकॉज अगर पेनाल्टीज में जाता है तो आई एम बेट श्योर, मैं अगर वो मैच देख रहा हूँ चलो ठीक है, द गेम इज विद अस नाउ, आई एम दैट कॉन्फिडेंट विद यू, सो वॉट द मैन हु इज देयर सृजेश पीआर थिंक्स जब वो उस गोल पोस्ट के सामने खड़े रहते हैं। See, I just think of just you know finishing that 8 seconds. That's all. I don't think much about the result. I don't think about what I'm going to do. I don't think about okay, what if the result goes wrong? What the reaction will be? I only think about okay, did my player score or what I need to do now? And that is what I focus and that is what I do. And it's all about that 8 second, killing that 8 second. Exactly. And. Thank you so much, sir, for giving your precious and valuable time and best wishes. और जाते जाते सर, एशियन गेम्स के लिए आपको बहुत सारी बधाइयाँ, और हम सभी चाहते हैं कि हमारी टीम बेहतरीन प्रदर्शन करे, एंड इफ द मैन इज देयर वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट वी आर गेटिंग दैट गोल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, थैंक यू, दिस वॉज अ वेरी बिग फैन मोमेंट, एंड दिस वॉज अ वेरी बिग फैन मोमेंट फॉर मी सर, आई मेट यू दैट डे।
but couldn't get in conversation. But today, thank you so much, sir.